आपने भी सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है। अब ये कहानी और इस लोकोक्ति को बिहार की राजनीति में खूब आजमाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ लगातार अपने प्रयास कर रही है कि वो अधिक से अधिक राज्यों में सत्ता में बनी रहे, उसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, बिल्कुल इसी अंदाज में बिहार में भी सरकार चल रही है। भाजपा इन सब बातों को लेकर के लगातार अपने ही साथियों को जो उसके गठबंधन में हैं हमेशा कमजोर करने की साजिश करती रही है। ऐसा उसके विरोधी भी कहते रहे हैं और जो साथ रहते हैं वो भी कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के लगातार जब से ये नई जोड़ी आई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, तब से कहा जा रहा है कि एनडीए कमजोर हुआ है। लेकिन इन सब बातों के बीच में बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2020 चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नया प्रयोग किया। इस नए प्रयोग के बाद सुशील मोदी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और नई टीम नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आई, जिसके साथ सामंजस्य बिठाने में काफ़ी मुश्किलें नीतीश कुमार को हो रही थी और अक्सर दोनों के संबंधों को लेकर के खटास पैदा हो रही थी। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रहार तो कर रही थी, उनको कमज़ोर करने का साजिश कर रही थी, ऐसा नीतीश कुमार को भी आभास होने लगा था। नीतीश कुमार लगातार अपने प्रयास करते रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी हैसियत और औकात दोनों बताएं। राजनीतिक हैसियत में नीतीश कुमार कद में बड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, खास करके बिहार की बात की जाए तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना होता। जिस आंकड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार में नीतीश कुमार के पीछे चल रही है, ये किसी को पच नहीं रहा है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली जाने के बाद नीतीश कुमार ने जो गेम प्लान रचा, जो रणनीति बनाई, उसने भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन कहीं ना कहीं खिसका दी है। अब इन सारी बातों को आप जानते ही हैं, हमने शुरू में कहा था कि लोहा लोहे को काटता है। अभी लोहा लोहे को काटता है वाली बात है, उसमें सुशील मोदी का नाम सामने आ गया है। सुशील मोदी एक बार फिर से सामने आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से कहिए तो संकट मोचन है। 2013 में नीतीश कुमार जब अलग हुए थे, उसके बाद सत्ता में लाने का जो श्रेय मिलता है वो सुशील मोदी को ही लिखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी को प्रमोशन दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुशील मोदी का डिमोशन था। अब जबकि नीतीश कुमार की मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अब संभावनाओं की तलाश शुरू कर चुकी है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। इसके लिए सुशील मोदी को खुला फ्री हैंड दे दिया गया है और सुशील मोदी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे जैसे मुख्यमंत्री का प्रभाव केवल संबंधित राज्यों में है, ऐसे लोगों की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा अचानक जागती है और कोई जगाता है, फ्रंट बनाने निकलते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने हवाला दिया है कि देश की जनता बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, गुजराल तक विपक्षी फ्रंट की कई कमजोर सरकारों का हश्र देख चुकी है और उन्हें सिरे से नकार चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सबसे तेज बढ़ता अर्थव्यवस्था में और विदेशी मुद्रा भंडारण का रिकॉर्ड वृद्धि करने वाला देश है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि ऐसी कोई भी प्रयास चलने वाला नहीं है। जब चंद्रशेखर सरकार के समय देश को सोना लंदन में गिरवी रखना पड़ा था, ये कौन नहीं जानता है। सीधे तौर पे आप कहा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का डर है जिसे नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के अलावे अन्य लोगों से दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद पैदा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में सुशील मोदी को आगे करके एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सब कुछ ठीक करने का कोशिश कर रही है, लेकिन इतना तो जरूर कहा जाएगा कि भाजपा के 100 चोटों पर नीतीश का एक ही भारी पड़ गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।